काले बादल जब होते हैं तो आपको पता है कि भाई बारिश तो बिल्कुल होती होती है। तो आज देखते हैं क्या रहता है। जो साकिर भाई की जो भविष्यवाणी है, ये बोल रहे हैं काले बादल होते हैं तो बारिश होती है, ये बोल रहे हो आप? तो बिल्कुल, देखते हैं इनकी भविष्यवाणी आज पूर्ण होती है या नहीं होती। ये देखिए, ओहो हो माशाल्लाह, मजा आ जाएगा आज तो काफी। लास्ट टाइम मनाली में लिया था। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी मैं और मेरे साथ है साकिर, हम दोनों आए हुए हैं मुकरनगढ़। और मौसम का नज़ारा आप एक बार देख सकते हैं, देखिए कितना बेहतरीन मौसम हो रहा है, बहुत ही ज़बरदस्त। बारिश की पूरी संभावना है, तो अभी बहुत जल्द यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो अभी हम जा रहे हैं मुकरनगढ़ से मंडी की तरफ, और मंडी में वहाँ पर आपको क्या क्या एक्टिविटी करते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं आपको दिखाएंगे। नज़ारा आप देख सकते हैं मौसम का, बहुत जबरदस्त। क्यों सागर भाई, कैसा हो रहा मौसम? बहुत ही शानदार मौसम, जबरदस्त। बिल्कुल काले बादल है आज, और काले बादल जब होते हैं तो आपको पता है कि भाई बारिश तो बिल्कुल होती होती है। तो आज देखते हैं क्या रहता है। जो साकिर भाई की जो भविष्यवाणी है, ये बोल रहे हैं काले बादल होते हैं तो बारिश होती है, ये बोल रहे हो आप? तो बिल्कुल, देखते हैं इनकी भविष्यवाणी आज पूर्ण होती है या नहीं होती है, क्योंकि लगभग आधा एक घंटा तो हम यहाँ पर मुकरनगढ़ में रुकने वाले हैं। और ये देखिए, यहाँ पर एक मुकरनगढ़ में सिटी होम केयर प्राइवेट क्लिनिक खुला है। इसके अलावा यहाँ पर जो मुकरनगढ़ में जो सबसे बेस्ट चीज़ है आजकल जो मुकरनगढ़ में खुली है, दुल्लर फिटनेस, ये आप देख सकते हैं, दुल्लर फिटनेस जिम है, बहुत ही शानदार। ये गैस एजेंसी है, और गैस एजेंसी के सामने दुल्लर फिटनेस जिम है, बहुत ही ज़बरदस्त जिम है। यहाँ की जो क्वालिटी है ना भाई, बहुत ही ज़बरदस्त। मशीनें इनके पास सारी मशीनें हैं दुल्लर फिटनेस के पास। और इसके अलावा यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही अच्छा है। और अभी हम कानोड़िया हॉस्पिटल के पास जाने वाले हैं, तो कानोड़िया हॉस्पिटल के सामने आपको पता है कि भाई मेला लगा हुआ है। तो अभी तो क्या टाइम हो गया सागर भाई? टाइम लगभग इसमें तो पता नहीं चलता, क्या 1:30 बज गए हैं? तो लगभग 1:30 बज चुके हैं, और 1:30 बजे तो क्या मेला तो शाम को लगता है शायद। फिर भी जो भी एक्टिविटी रहेगी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आपको बताऊँ, नज़ारा इतना ज़बरदस्त आ रहा है, बहुत ही शानदार, ये आप देख सकते हैं। और ये अभी ये जो कानोड़िया हॉस्पिटल का सर्किल है, और ये गाड़ी वाले हैं, स्कूल बस वाले हमें साइड दे रहे हैं, तो ले लेते हैं। साकिर भाई गियर निकालना, बिल्कुल गियर, बहुत बढ़िया। क्योंकि क्या है कि एक हाथ से एक वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, तो एक हाथ से गियर ये एक बंदा रखना पड़ता है। ये अपना मारवाड़ मेडिकल स्टोर तालिब भाई का, और मेला बिल्कुल शांत पड़ा है, तो इसकी जो एक्टिविटी है वो जरूर देखें, बर्फ़ में लगा हुआ है बिल्कुल मेला। मुझे लगता है कल बारिश हो गई थी मुकरनगढ़ में, तो उससे बर्फ़ में लग गया शायद। तो अभी मेरे पीछे एक फोर्ड इको स्पोर्ट आ रही है, तो मैंने इंडिकेटर दे दिया है, और अभी हम मेले की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ का क्या माहौल रहता है। बिल्कुल यार, भीड़ तो है, ऐसी तो कोई बात नहीं है साकिर भाई, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल माहौल ठंडा है, मतलब झूले वगैरह अभी चालू नहीं हुए, झूले वगैरह लेट चालू होंगे, तैयारियाँ चल रही हैं ना, बाकी ओवरऑल माहौल अच्छा है। और ये देखिए यहाँ पर खुशी पान भंडार, ये मतलब पान बहुत ही ज़बरदस्त है साकिर। वो जलने वाला पान नहीं है कि आग लग के दिया जाता, वो दिया जाता है, खा के देखेंगे आते टाइम। चल हाँ, फिर जाते टाइम तो सही नहीं, आते टाइम वो पान खाएंगे। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पर, ये आप देख सकते हैं। ये साकिर भाई आपकी गाड़ी कैसी खड़ी है वहाँ पर, ये देखिए तो यहाँ पर। और यार आपकी तो ये बारिश आने लग गई है, तो साकिर भाई मुझे लगता है आपकी भविष्यवाणी सही होने वाली है। ये बबलू आया हुआ शायद है ना, ये देखिए साकिर भाई की कार है, ये कार क्या है इसको तो क्या बोलते हैं आजकल, ब्लैक घोड़ा, ये तो व्हाइट घोड़ा है, ब्लैक नहीं है। तो साकिर भाई की जो भविष्यवाणी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई है, बारिश की जो हल्की बूंदाबांदी है वो शुरू हो चुकी है, तो बहुत जल्द तेज बारिश भी होने की संभावना है। भविष्यवाणी करानी है तो बता देना। हाँ बिल्कुल, और भी कोई भविष्यवाणी साकिर भाई से करवानी हो तो आप बता सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। और चार्जेबल भविष्यवाणी होगी, चार्ज बिल्कुल नॉर्मल चार्ज होने वाला है। तो चार्ज क्या रहेगा वो तो क्या है कि आपको जो आपके काम देखा जाएगा, क्या काम करवाना चाहते हैं, कौन सी चीज की भविष्यवाणी करवाना चाहते हैं। और यहाँ पर अभी आप मंडी का जो नज़ारा है वो देख सकते हैं। यार मौसम जबरदस्त हो तो नज़ारा पूरा ही अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है, पूरा नज़ारा चेंज हो गया। और ये यहाँ पर आपको एक अंकित मेडिकल स्टोर है, अपने भाई अंकित का है, देख सकते हैं आप। और अभी हमारे पीछे एक गाड़ी चल रही है किया, वो बराबर हॉर्न मार रहा है बार बार कि ये हटा ले, बनवा दूंगा वीडियो। उसे नहीं पता कि आगे क्या चल रहा है, तो अभी उसको साइड दे देते हैं। और ये है अपना ओप्पो राजरानी। तो हमें अभी साकिर भाई मुझे खाने हैं क्या बोलते हैं उसको, मक्का। तो मक्का की तरफ, ये रही वो रही वो रही, रेडी मिल गई। तो अभी साकिर भाई की क्या पहले इच्छा हो चुकी थी कि भाई मक्का खाएं, तो मक्का की जो रेडी है वो आप देख सकते हैं वहाँ पर है।
अभी इसको गाड़ी को यहाँ लगाते हैं, उसके बाद में वहाँ पर उसके पास में यार वहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है क्या? और मिलेगा आते वक्त देख लेंगे। अच्छा जी, अभी तक हमने दो रेडी तो निकाल दिए इस गाड़ी की जगह के चक्कर में, और आप देख सकते हैं ये नज़ारा, टच होने वाली थी ये गाड़ी है? ये क्या कहता है ये क्या? अभी फोन आ रहा है मेरे पास, तो अभी तो हाँ तो अभी एक रेडी दिखी है तो रॉन्ग साइड में है, तो वहाँ पर ही हमें गाड़ी ले जाके खड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हल्का हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, तो जो यहाँ पर गाड़ी लगाते हैं। और ये ताऊ जी हैं। हाँ जी ताऊ जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? दो मक्का लगाओ ना, बढ़िया दो बढ़िया मक्का लगा के दो, गरम लगा के दो। चलो अभी यहाँ पर अंकल जी से दो मक्का है, हम यहाँ पर लेते हैं और गाड़ी आगे लगा देते हैं। अंकल जी से गाड़ी लगा दे वहाँ चलियो। तो अभी हमने दो मक्का बनवाने के लिए वहाँ पर अंकल जी को बोल दिया है, और गाड़ी हमने यहाँ पर लगा दी है क्योंकि हल्की बूंदाबांदी चल रही है, आप देख सकते हैं। हालांकि तेज़ बारिश नहीं हुई है साकिर भाई की, अभी तक जो क्या बोलते हैं उसको भविष्यवाणी है वो पूरी कंप्लीट हुई नहीं है, तो अभी देखते हैं आगे क्या रहता है मामला। ये आप देख सकते हैं अंकल जी यहाँ पर बना रहे हैं अपने मक्का, तैयार कर रहे हैं, तो खा के निकलते हैं यहाँ से। तो अभी ये अंकल जी अब्दुल सत्तार साहब हैं, इन्होंने ये ले आके दे दिए हैं हमें मक्का, और साकिर भाई ने तो खोल लिया अपना, ये रहा साकिर भाई खोल के दो, ये दो ये देखिए, ओहो हो माशाल्लाह मज़ा आ जाएगा आज तो, काफ़ी दिनों बाद में मक्का का जो मज़ा है वो लेने वाले हैं। लास्ट टाइम मुझे लगता है कि साकिर भाई लास्ट टाइम मनाली में लिया था, बहुत ही ज़बरदस्त। तो अभी हमने ये पूरा मक्का है वो खत्म कर दिया, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर साकिर भाई को बैटरी से रिलेटेड कुछ काम था, तो यहाँ पर बैठे हैं वेट कर रहे हैं, ये भाई हैं इनकी बैटरी इन्वर्टर है वो सुधार रहे हैं, और अभी हमारी गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, जल्दी यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों अभी निकल रहे हैं गाँव की तरफ वापस, क्योंकि जो छोटा मोटा काम था मुकरनगढ़ का वो हमने कर लिया, और अब गाँव जाना है, और गाँव में जाके मौसम का जो लुत्फ है वो उठाएंगे। एक तो यहाँ पर दुकानें आजकल बहुत ओपन हो गई मुकरनगढ़ में, है ना। तो दोस्तों अभी मैं कॉलेज रोड पे चल रहा हूँ, और ये आप देख सकते हैं जिनोवा ग्लोबल ORG एक मेडिसिन की कंपनी है, इसके अलावा यहाँ पर ये लाल कोठी मुकरनगढ़ की बहुत ही फेमस कानोड़िया कोठी, ये आप देख सकते हैं। तो ये है अपने मुकरनगढ़ का दौड़ा कुआ, आप देख सकते हैं, हालांकि पहले ये अलग लुक था, अभी लुक इसका चेंज कर दिया है बिल्कुल से। तो मुकरनगढ़ में आपको पुरानी पुरानी कोठियां हैं वो बहुत ही मिलेगी, पुरानी जो हवेलियां हैं ना वो आपको यहां पर बहुत मिलेगी मुकरनगढ़ में। तो अभी हम अपने गांव भींसरी में पहुंच चुके हैं, और ये देखिए यहां पर आरिफ भाई है अपने, आरिफ सनोप हाकम अली खां, ये जो मकान है घर है ये आप देख सकते हैं, नज़ारा देखिए आप बहुत ही ज़बरदस्त। तो आरिफ भाई आए हुए हैं, आते दोबारा इन्होंने यहाँ पर जो चार दीवारी का काम चालू कर दिया है, बहुत ही ज़बरदस्त मकान बना रहे हैं। और ये हैं अपने फारिस भाई के घर। तो दोस्तों साकिर को उसके घर पे छोड़ दिया है, और अभी मैं जा रहा हूँ घर पे, और यहाँ पर बारिश हुई हुई है गांव में, हल्की बूंदाबांदी जो दिखाई दे रही है आपको, देख सकते हैं आप रोड पे, तो बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम हो चुका है मुझे लगता है, क्योंकि गाड़ी से उतरने के बाद में पता चलेगा पूरे तो मौसम का, लेकिन बहुत ही शानदार नज़ारा यहाँ से नज़र आ रहा है,